हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोल्डेड कफ स्लीव के ऊपर। और ये मेरे पास मैचिंग सूट की एक स्लीव है और इसकी मैंने कटिंग की हुई है। आप हाफ बाजू के ऊपर कफ लगाना चाहते हो या फिर पौनी बाजू के ऊपर या फिर फुल बाजू के ऊपर, वो आपकी मर्ज़ी है। आपने स्लीव की कटिंग कर लेनी है जैसे हम सिंपल स्लीव की कटिंग करते हैं। और इसका डिज़ाइन बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पर चिकनकारी का कपड़ा है। ये चिकन फैब्रिक है क्योंकि इसका जो ट्राउज़र का कपड़ा है वो इस कपड़े का है, इस फैब्रिक का है। आप किसी भी तरह से अपना डिज़ाइन बना सकते हो या सेम कपड़े से बना सकते हो। देखिए, मैंने इसको डबल फोल्ड यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि सिंगल फोल्ड में यहाँ पे मेरा ब्लैक का नीचे का कपड़ा दिख रहा था, इसीलिए मैंने इसको डबल लिया है। आप सिंगल कपड़े के साथ भी इसको बना सकते हो। इसका जो मेजरमेंट मैंने लिया है, देखिए, वो 3.25 इंच मैंने इसकी चौड़ाई कटिंग की है इस तरह से, और लंबाई बाजू के आगे की मोरी के बराबर है। आप जितना बड़ा चाहे कफ लगा सकते हो इसके ऊपर, या चौड़ा जितना भी 4 इंच का लगा सकते हो, 3 इंच का, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे मैंने एक पेस्टिंग पेपर लिया है। इसकी जो लंबाई मैंने लिया वो 4 इंच ली है, जो चौड़ाई इसकी है वो 2 इंच है। अगर आपके पास पेस्टिंग पेपर नहीं है तो आप सिंपल कागज़ ले लें और इसको इस तरह से फोल्ड कर लें अपने कागज़ को, ठीक है फ्रेंड्स। और इस पर इस तरह से हमें कुछ ड्रा करना है। इसको यहाँ से यहाँ तक ट्राइंगल शेप में ड्रॉ कीजिए। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, सिर्फ आपने इसी तरह से ड्रॉ करना है और ऊपर तक इसको इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। देखिए, मैं चौक के साथ आपको दिखा रही हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। ये इस तरह से चौक के साथ हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है अपने पेस्टिंग के ऊपर। अगर आप कागज़ के ऊपर बना रहे हो तो इस तरह से सबसे पहले अपना पैटर्न ड्रॉ कर लें, ठीक है। और यहाँ पे इसका मेज़रमेंट जो ऊपर का है वो 1.25 इंच का रह जाएगा और इसकी हम कटिंग कर देंगे। आपने सिंपल अपने पेपर की भी कटिंग कर लेनी है अगर आपके पास पेस्टिंग नहीं है कागज़ की। इस तरह से हम अपना पैटर्न ड्रॉ करेंगे। और इसको देखिए, मैंने यहाँ पर डबल कपड़ा यूज़ करना है इसके ऊपर लगाने के लिए। ये देखिए, इसके ऊपर मैं अपनी पेस्टिंग को इस तरह से रखूँगी और प्रेस के साथ जस्ट इसको पेस्ट कर लूँगी। अगर आप कागज़ के साथ बना रहे हो तो सिंपल अपने कागज़ को, पैटर्न को इस तरह से कपड़े के ऊपर रखिए और इसके चारों ओर ड्रॉ कर लीजिए चौक के साथ, और वहीं पे सिलाई आपने लगानी है और कुछ भी नहीं करना है। अगर पेस्टिंग पेपर है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसके साथ थोड़ा सा हमारा जो डिज़ाइन है वो बहुत ही बढ़िया लुक का आता है। तो देखिए, इसके फालतू कपड़े की मैं कटिंग कर लूँगी यहाँ पे। और कटिंग करने के बाद हम यहाँ पे बिल्कुल पेस्टिंग के पास पास हमने अपनी सिलाई लगानी है, और ये बिल्कुल बारीक बखे के साथ आपने लगानी है अपनी सिलाई। ये देखिए, जहाँ पर आपकी निशान होंगे अगर आपके पास पेस्टिंग नहीं है तो वहाँ पर ही आपने सिलाई लगानी है। बाहर से भी मैं इसका थोड़ा थोड़ा कपड़ा और कट कर दूँगी। और ये जो कॉर्नर है वहाँ पे हमें ध्यान से कट लगाने हैं क्योंकि इनके कॉर्नर की जो फिनिशिंग आई वो बहुत ही बढ़िया आएगी हमारे कफ में। इसको किसी चीज़ की हेल्प के साथ हम सीधा कर लेंगे। ये मेरे पास पेन है, आप किसी भी और चीज़ के साथ इसको सीधा कर सकते हो। देखिए, और इसकी पेन की नोक के साथ हमने कॉर्नर की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी देनी है। अब जस्ट इसके ऊपर हम प्रेस कर लेंगे पहले। ये देखिए, इसके ऊपर सिंपल आपने प्रेस करनी है और कुछ भी नहीं करना। अब बिल्कुल इसके पास पास हमने सिलाई लगानी है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ये हमारी सिलाई लग चुकी है। ये देखिए, हमने फालतू धागे कट कर देने हैं। और ये हमारा कफ बनके बिल्कुल रेडी है। अब हमने क्या करना है, हमारी जो स्लीव है उसके राइट साइड हमने इसके सेंटर में यहाँ पे चौक के साथ एक निशान लगाना है। और अब हमें जिस कपड़े के हमने कफ फोल्डेड कफ बनाना है, डिज़ाइन बनाना है, वो कपड़ा लेना है। उसके सेंटर में भी यहाँ पे चौक के साथ निशान लगाइए सीधी तरफ। और अगर आपके पास ये प्लेन कपड़ा है तो ठीक है, अगर आपके पास ये फ्लावर्स में है तो आपने सीधी तरफ यहाँ पे इसके सेंटर में भी निशान लगा लेना है छोटा सा। तो इसको इस तरह से रखते हुए सीधी ही स्लीव हमने इसके ऊपर रखनी है। ये देखिए, जहाँ पर हमने निशान लगाया था बिल्कुल उसके सेंटर में रखनी है। ये देखिए, अब ये भी सीधा कपड़ा और ऊपर ये सीधा, ये भी सीधा, और इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये तीनों चीज़ों को हमने सीधा रख के यहाँ पे सिलाई लगानी है क्योंकि हम दूसरे तरफ कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड करके लेके आएंगे। अब सबसे पहले हम इसके सेंटर में से सिलाई लगाना शुरू करेंगे क्योंकि कई बार पीछे से हम सिलाई लगाते हैं तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, खासकर बिगनर्स के लिए। अब दूसरी तरफ से भी मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी
और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सिलाई यहाँ पे लग चुकी है। अब हमने यहाँ पे इसके दबाव की सिलाई लगानी है। पूरे कपड़े को इधर की तरफ करते हुए देखिए, हमने इस तरह से ये हमारा सीधा कपड़ा आ जाएगा टर्न करके जब हम इसको पलटेंगे। तो अब हमने इसके दबाव की सिलाई लगानी है। सबसे पहले हम वो सिलाई लगाएंगे, देखिए नीचे की तरफ अपना कपड़ा रखते हुए उल्टी साइड से इसके दबाव की सिलाई लगाएंगे हम, क्योंकि ये जो हमने बीच में कफ़ डाला है वो बिल्कुल बैठ जाएगा इस सिलाई के बाद, और सिलाई में हमारी में फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो ये देखिए, ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमने क्या करना है, ये कपड़ा इधर की तरफ करते हुए यहाँ पे एक सिलाई लगानी है, बिल्कुल इसके किनारे की सिलाई लगानी है, और ये कफ हमने बाहर की साइड कर लेना है इस तरह से। इसके बीच में यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। और दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी हम अपने अच्छे अच्छे डिज़ाइन की पिक्स और वीडियोज़ डालते रहते हैं। अब ये सिलाई हम इस तरह से दूसरी तरफ भी लगाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे। अगर आप सिंगल कपड़े के साथ बना रहे हो तो अपने कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगाएं। ये मेरे पास फोल्डर कपड़ा था इसीलिए मैंने सीधी ही सिलाई लगा दी इस पर। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डिज़ाइन बनके बिल्कुल रेडी है। साइडों में जो कपड़ा बचा है उसको हम कट कर देंगे, और ये देखिए इसको हम इस तरह से फोल्ड करके बाहर की तरफ थोड़ा सा दिखाते हुए यहाँ पे बटन के साथ डिज़ाइन करेंगे। और ये फोल्डर कफ हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। अगर आपको अच्छा लगा हो ये डिज़ाइन तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और इसकी सिलाई इस तरह से करनी है, देखिए सेंटर में से अपने कफ को यहाँ पर इस तरह से लगाइए और सिलाई लगा दीजिए। सिलाई लगा के दिखाती हूँ आपको। और ये हमारी बाजू बनके बिल्कुल रेडी है। डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।